इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, थैंक यू। हाय दोस्तों, आज मैं आपको पोहे बनाना सिखाने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले ये बताऊँगा कि पोहे में क्या क्या डलता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या डलता है पोहे में। अब मैं पोटैटोस के छोटे छोटे पीस कर रहा हूँ, जिसका हमारे यहाँ पे अमनिया करना कहते हैं। नींबू, पोटैटो, ऑयल, राई, जीरा, नमक, हल्दी, मिर्ची, हरी मिर्ची, हींग, मूंगफली, टमाटर और सबसे खास चीज़ पोहे। लीजिए हम शुरुआत करते हैं पोहे की। सबसे पहले पानी डाल करके इसे पूरा भिगो दें। अब हम पोहे का पानी निकालते हैं। इस तरह से पोहे का सारा पानी निकाल लें। अब हम इन्हें 1 मिनट के लिए साइड में रखेंगे ताकि ये खुल जाए। अब हमने टमाटर के छोटे छोटे पीसेस कर लिए। हम सबसे पहले मूंगफली का तेल हम काम में लेते हैं, वही डाल रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा इसे गर्म होने दें। अब हम इसमें थोड़ा राई डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे। जैसे ये आपको लगता है अच्छा स्मेल आ रही है तब पोटैटो डाल लें हैं। अब मैंने मूंगफली के छोटे छोटे दाने कर लिए हैं। अब हम थोड़ी देर इस पोटैटो को थोड़ी देर तेल में फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें मूंगफली के छोटे छोटे दाने डालेंगे। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप यूट्यूब के छोटे पंडित जी की रसोई, जिन्होंने आज पहली बार स्टार्टअप किया है, आपको पोहा खिलाना शुरुआत की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा आपके प्यारे प्यारे वाले। वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो ये देख लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। पंडित जी के चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो छोटे पंडित जी के चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आप तक सबसे पहले हमारे नए नए अपडेट्स पहुंच सकें। हाँ पंडित जी, आप क्या कर रहे हो आप? अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे। अच्छा, मिर्ची अभी डाल देते हैं, बाद में डालते हैं? अभी। राइट, ठीक है जी। मिर्ची आप कम ही डालें या ज़्यादा डालें, जैसा आपको स्वाद बने वैसा डालिएगा। अब हम हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी के बाद में मिर्ची फुल डालिएगा आप। अब हम इसमें दही डालेंगे। इसमें सॉल्ट डालेंगे। हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़े हींग डालेंगे। हाँ।
शक्कर डालेंगे। अब हमने पोहों में शक्कर डाली है, उसके बाद में उन्हें मिक्स करेंगे। एक्चुअली पंडित जी का पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं। आप कमेंट में लिख करके बताइएगा पंडित जी ना शर्माएं और ना घबराएं, और ताकि वीडियो अच्छा बने, इम्पैक्ट वाला बने, प्रभावशाली बने। तो अब थोड़ी देर बाद में हम ट्राई करते हैं यूट्यूब के छोटे वाले पंडित जी के हाथ का बना हुआ पोहा। अब हमारे पोहे एकदम तैयार है, अब हम उन्हें निकालते हैं और फिर खाने जाते हैं। ये देखिए, क्या बात है, क्या बात है। अब मैंने जो चीनी डाली थी उसे मिक्स करेंगे। वाह वाह, आज तो यार पंडित जी मजा आ जाएगा यार। वेल, पंडित जी संभाल रहे थे कैमरा, और हमारे लाइटमैन जो लाइट संभाल रहे थे बातूनी भाई, ये मेरा भांजा है और इसका भी एक चैनल है, चैनल का नाम बताना। आर जे 37 सुशील गौड़, जहाँ पे आपको मिलेगी पूरी मारवाड़ी, एकदम प्योर मारवाड़ी और हिंदी। अब हम पोहे खाने जा रहे हैं और मैं बताऊंगा आपको पोहे खा करके क्या स्वाद है, कैसा इसका। ये है तैयार, डिंग 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 डिंग, शानदार मजेदार फर्स्ट क्लास वाले पोहे। वेल, पंडित जी के बड़े पंडित जी के हाथ में आ चुके हैं छोटे पंडित जी के हाथ के बने हुए घर के पोहे, और मैं इसे खाने जा रहा हूँ। और मुझे ये बात कन्फर्म है, काफ़ी दिन हो गए हैं आपने मेरा अच्छा वाला वीडियो नहीं देखा है और मेरा वह एक्सप्रेशन नहीं देखा है। सो गेट रेडी फॉर पंडित जी का एक्शन ऑफ ईटिंग। लाजवाब, 10 out of 10 फॉर छोटे यूट्यूब के पंडित जी। आई होप इस कोरोना के टाइमिंग में एक्चुअली बाहर की यात्राएं करना पॉसिबल नहीं है, और ना ही बाहर जाना और स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना आई थिंक अच्छी बात नहीं है। तो आप भी अपने घर पर रहिए, पूरे परिवार के साथ रहिए, मौज मस्ती लीजिए और अच्छे अच्छे खाने बना करके घर पर ट्राई कीजिए, जिस प्रकार से छोटे से पंडित जी ने आज आपको बताया है। तो आप भी ट्राई करें और खाएं और मस्त रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके कमेंट्स भेजिएगा मेरे छोटे यूट्यूब के पंडित जी के लिए। और पंडित जी के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आप तक सबसे पहले हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप सबसे पहले हमारे वीडियोज़ देख सकें। राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक बार शुभ आशीर्वाद दीजिएगा छोटे यूट्यूब के पंडित जी को। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।